टुन किट से पार्सल आया है। अरे आ गया पार्सल, जाओ बच्चों ओपन करके देखो, तुम्हारे लिए ही है। वाओ मम्मी, इसमें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये फिशिंग फन क्या है देखो। तुम दोनों को जो लेटर मैं बोलूंगी वो फिशिंग रॉड से उठा के मुझे दिखाना है। वाओ, अब हम फिशिंग करते करते लेटर्स सीखेंगे। ये देखो, इसे फ्रिस्की फिंगर्स कहते हैं। इससे तुम्हारी आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग होगी। ये लो लेस एंड अब इसमें एक एक करके बीट्स डालने की कोशिश करो। मम्मी ये तो बहुत कूल गिफ्ट है, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें। हमें बहुत मजा आ रहा है। ये कौन सा बॉक्स है? ये पुंटून किड्स का लर्निंग बॉक्स है जो हम लेकर आए हैं नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी के बच्चों के लिए। अगर आपको भी ये बॉक्स ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करें या फिर नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें। इंडियन फूड वर्सेस चाइनीज फूड। गट्टू और चिंकी को यूं तो सारी चीजें पसंद थी, जैसे कि खेलना, कूदना, नाचना, गाना, घूमना, नई नई जगह देखना और भी बहुत सारे। दोनों बच्चे इतने प्यारे और चंचल थे कि उनकी फेवरेट चीजें भी बहुत जल्दी बदल जाती थी। जैसे एक दिन स्कूल में लंच ब्रेक हुआ तो सब बच्चे टिफिन खोलकर खाना खाने इकट्ठे हो गए। नीलेश, भूषण, बंटी, अपने प्यारे गट्टू, चिंकी, सबने अपना अपना टिफिन बारी बारी से खोला। आज मैंने लंच में लाया है मंचूरियन। वाओ, इट्स सो यमी। और तुमने क्या लाया है भूषण? मेरे टिफिन में आज है नूडल्स। और सभी के टिफिन में चाइनीज फूड नजर आ रहा था, लेकिन अभी भी गट्टू और चिंकी के टिफिन खुलने बाकी थे। तब नीलेश ने एक्साइट होकर उनसे कहा, अरे गट्टू चिंकी, तुम भी अपना टिफिन खोलो, आज क्या खास है खाने को देखे तो जरा। हाँ हाँ, तुम्हारे टिफिन में रोज कुछ हटके होता है। बंटी के ऐसा कहते ही सभी गट्टू और चिंकी की तरफ देखने लगे, लेकिन शायद गट्टू और चिंकी को पहले से ही टिफिन में क्या है ये पता था, इसलिए उनके मुंह पर कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं थी। दोनों ने एक साथ ही टिफिन खोला और फिर साथ में ही जवाब दिया, ओफो, आलू की सब्जी, चपाती और सम पीसेस ऑफ गाजर। एक हंसी का ठहाका लगा। गट्टू, चिंकी और उनके बाकी सभी दोस्त बहुत हंसे। गट्टू और चिंकी, तुम्हें मंचूरियन खाना है तो इसमें से खाओ। और हाँ, नूडल्स भी है, बहुत टेस्टी लगता है। सबने मिलकर नीलेश, भूषण, इनके टिफिन में जो चाइनीज फूड था उसे ही खाना पसंद किया। देखते ही देखते सब चाइनीज फूड सफाचक हो गया और गट्टू चिंकी का टिफिन जिसमें आलू की सब्जी थी उसे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। घर से लाया हुआ टिफिन गट्टू और चिंकी वैसा का वैसा ही वापस ले आए। मम्मी ने जब टिफिन चेक किए तो उन्हें पता चला आलू की सब्जी, चपाती सब गट्टू और चिंकी ने वैसा ही छोड़ा है, कुछ भी नहीं खाया। ये देखकर मम्मी ने गट्टू और चिंकी को आवाज लगाई, गट्टू चिंकी बेटा जरा यहाँ आओ। गट्टू चिंकी दौड़ते दौड़ते वहाँ आए और जब मम्मी के हाथ में उन्होंने टिफिन देखा तो समझ गए कि मम्मी अब डांटेंगी। गट्टू और चिंकी, तुमने आज स्कूल में खाना नहीं खाया, टिफिन में तो सब वैसा ही है। वो मम्मी, हम भूल गए, चलो चिंकी। गट्टू और चिंकी बाहर भागने लगे और जब मम्मी ने पूछा तो चिंकी ने भागते हुए ही जवाब दिया, अरे कहाँ जा रहे हो अब? खेलने जा रहे हैं मम्मी, ग्राउंड पर। लेकिन खाना? खा लिया था मम्मी। इससे पहले कि मम्मी कुछ और पूछती दोनों तो जा चुके थे। इस तरह गट्टू और चिंकी मम्मी के डांट से बच गए। दूसरे दिन स्कूल में लंच ब्रेक के वक्त सब रोज की तरह इकट्ठे हो गए और आज फिर से गट्टू और चिंकी छोड़ सब ने कुछ ना कुछ चाइनीज फूड लाया ही था। लेकिन इस बार गट्टू और चिंकी दोनों ने भी अपना टिफिन निकाला नहीं, क्योंकि उनको पता था कि आज भी कुछ हेल्दी जैसी सब्जी होगी। आज से मेरी फेवरेट चीजों की लिस्ट में चाइनीज फूड भी मैंने ऐड कर लिया है। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मंचूरियन, ये नूडल्स तो बहुत टेस्टी था। जो एक बार चाइनीज फूड टेस्ट करता है उसका हमेशा के लिए ये फेवरेट फूड बन जाता है। आज भी सबने मिलकर नीलेश, भूषण के टिफिन में लाई हुई चाइनीज डिशेज ही खाई। आज तो बंटी ने भी नूडल्स लाई थी। घर जाते वक्त गट्टू और चिंकी बातें कर रहे थे कि उन्हें भी अब चाइनीज खाना खाना था,
लेकिन मम्मी से कैसे कहे कि टिफिन में हमें चाइनीज बना के दे दे? ये बहुत बड़ा सवाल उनके सामने था। चिंकी, मुझे वो मंचूरियन बहुत अच्छा लगा, मुझे पेट भर के चाइनीज खाना है। मुझे भी नूडल्स बहुत पसंद आए, लेकिन मम्मी हमें टिफिन में ये सब नहीं देंगी। आइडिया, हम मम्मी से कहेंगे कि किसी चाइनीज फूड वाले होटल में चले, ताकि हम भर पेट नूडल्स और मंचूरियन खा पाएं। गट्टू चिंकी के घर जाते ही मम्मी ने उन्हें रोका और पूछा, आज टिफिन खाया कि नहीं, जरा दिखाओ। मम्मी दोनों का टिफिन खोलकर देखती है तो फिर आज वैसा ही टिफिन था। तुम खाना क्यों नहीं खाते हो? तब चिंकी बताती है कि वो सब दोस्त मिलकर इकट्ठा खाना खाते हैं और उनके टिफिन में ही गट्टू चिंकी का खाना हो जाता है। चिंकी आगे मम्मी से होटल में जाने की बात करती है। मम्मी, मुझे और गट्टू को चाइनीज फूड खाना है, क्या हम कल होटल चले जहाँ भरपेट चाइनीज फूड खा सके? हाँ मम्मी, मेरा तो फेवरेट है नूडल्स, मुझे वो खाने हैं। नहीं नहीं बच्चों, वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। हमारा इंडियन फूड बहुत हेल्दी होता है, तुम इसे खाओगे तो तुम्हारी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। मम्मी के लाख मना करने पर भी गट्टू चिंकी सुनते नहीं है, इसलिए मम्मी राजी हो जाती है और गट्टू चिंकी खुश हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही बार तुम्हें मैं चाइनीज खिलाने ले जा रही हूँ। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है और गट्टू दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उनकी मासी बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई थी। देखो बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी खाने की चीजें लाई हूँ। नहीं दीदी, गट्टू और चिंकी को चाइनीज फूड पसंद है, वो शुद्ध घी से बने हुए लड्डू, बर्फियाँ ये सब नहीं खाते। अच्छा ठीक है, मैं कुछ अच्छी अच्छी चीजें बनाती हूँ सिर्फ हम दोनों के लिए। मासी ने मम्मी की मदद लेकर पनीर के इतने सारे पदार्थ बनाए कि गट्टू चिंकी दौड़ते हुए आए और खाने पे ऐसे टूट पड़े कि चाइनीज फूड तो जैसे भूल ही गए। उसके बाद मासी ने बहुत बढ़िया फ्रूट सलाद बनाया, पराठे बनाए और भी बहुत कुछ ऐसी चीजें बनाई जो बहुत ही स्वादिष्ट थी। बच्चों, सबसे अच्छा और सेहत के लिए जरूरी अगर कुछ है तो वो हमारा इंडियन फूड है। चाइनीज फूड लगने के लिए थोड़ा सा टेस्टी लगेगा, लेकिन उससे हमारे शरीर को नुकसान भी हो सकता है। तभी घर के फोन की घंटी बजती है और मम्मी उसे उठाती है। फोन पर भूषण की मम्मी बात कर रही थी। बात करके मम्मी फिर से मासी, गट्टू और चिंकी के पास आई और कहा, गट्टू चिंकी, तुम्हारा दोस्त है ना भूषण, उसकी मम्मी का कॉल आया था मुझे। भूषण के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, वो भी चाइनीज फूड ही खा रहा था 2-3 दिन से। अब समझे गट्टू चिंकी कि किस तरह हमारा इंडियन फूड बेहतर है। गट्टू चिंकी सोच में पड़ जाते हैं कि चाइनीज फूड खाए या ना खाए। दूसरे दिन मासी के साथ सभी होटल में गए थे। आज मौसी को मम्मी की तरफ से पार्टी थी, गट्टू चिंकी भी साथ आए थे। गट्टू चिंकी, चलो बताओ बेटा, तुम क्या खाना पसंद करोगे, मंचूरियन या नूडल्स, कुछ खाना है? गट्टू चिंकी ने एक पल के लिए सोचा और फिर दोनों ने कहा, नहीं मम्मी, हमें चाइनीज नहीं खाना, हमें इंडियन फूड ही खाना है जो एकदम टेस्टी और सेहत के लिए अच्छा होता है। फिर क्या, उसके बाद सभी ने उस होटल में इंडियन फूड एंजॉय किया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।